We shall now move into the next presentation. This is called Ramcharitmanas, brought to you by Swami Sukhanandaji Maharaj, who is Secretary of the Ramakrishna Mission Ashram at Asansol. Accompanying Maharajji on the tabla is Swami Kalyaneshanandaji Maharaj. Friends, Ramcharitmanas. Atsandala pratihatarayo yashya prema pravaho lokatito Yahana Javo Goka Kalyan Bhargam Trailokyepya Pratima Mahima Janaki Pran Bandho Trailokyepya pratima mahima janaki pran bandho bhaktya jnanam vritavaravapu shitaya yohiram bhaktya jnanam vritavaravapu shitaya yohiram. Sabse pehle Bhagavan Sri Ram Krishna Maha Sarada Devi Swami Vivekanand ke charan mein mera bhakti purv pranam. Yahan जितने सन्यासी ब्रह्मचारी बैठे हुए हैं सबके चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूं और आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम, क्योंकि रामचरितमानस में कहते हैं सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम झूरी जुगपानी. आप सब में भगवान श्री रामचंद्र और माँ सीता बैठे हुए हैं, इसीलिए आप सबको मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ. आज मेरा परम सौभाग्य है ये बेलूर मठ में रामचरितमानस करने का मुझे मौका मिला है. पहले हम सब मिलके राम सिया राम थोड़ा संकीर्तन करें. राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम. ओ मंगल भवन अमंगलहारी द्रव सुत शरथ यजीरा बिहारी राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया. हो जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम. हो रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाय गुरु बचनन जाई राम सिया राम
सिया राम जय जय राम। हो सिया राम मय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम सिया राम जय जय राम। आज मैं आपके सामने केवट प्रसंग जो रामचरितमानस में है उसके बारे में थोड़ी चर्चा करूंगा। आप सबको मालूम है भगवान श्री राम का 14 साल वनवास हुआ था। मेरे मन में कभी कभी प्रश्न उठता है भगवान राम क्यों 14 साल वन में गए? क्यों गए मालूम है? यहाँ इतनी गर्मी है ना, इसलिए लगता है वन में ही अच्छा है। यहाँ से भगवान ने सोचा होगा तब तो अयोध्या में शायद ये सब पंखा और एसी की व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए भगवान वन में चले गए, ऐसा ही मुझे लगता है। जो गर्मी है भगवान की कृपा है, थोड़ी वर्षा आई है तो इसीलिए थोड़ी ठंडक अभी महसूस हो रही है। तो भगवान श्री राम का 14 साल वनवास हुआ। पहली रात उसने तमसा नदी के किनारे बिताई, दूसरी रात गुह राजा उनके दोस्त थे वहाँ भगवान श्री राम और सीता ने वहाँ बिताई। रात हुई थी, माँ सीता और भगवान श्री राम जमीन पर लेटे हुए थे और गुह राजा और लक्ष्मण दोनों रात को उनकी रक्षा कर रहे थे। दूसरे दिन सवेरे भगवान श्री राम गंगा पार करने जाने वाले थे, तो जितने नाविक थे सब लोग सोच रहे थे कि भगवान राम मेरी नौका में बैठे तो बहुत अच्छा है। सब लोग क्या कर रहे, अपनी नौका को बहुत अच्छी से सजाते हैं। ये नाविक में एक केवट था, केवट भी सोच रहा है कि मेरी नौका में भगवान बैठे तो बहुत अच्छा। लेकिन केवट बहुत गरीब था, उनके पास पैसा नहीं था जो अपनी नौका को सजा पाए, उदास होकर बैठा है। उनकी पत्नी ने उसको पूछा तुम उदास क्यों हो? केवट ने कहा मैं सोच रहा था भगवान राम मेरी नौका में बैठे, लेकिन मैं तो गरीब हूँ, वैसा पैसे भी नहीं है, मैं कैसे नौका को सजाऊँ? तो केवट की पत्नी ने कहा कि भगवान राम तुम्हारी नौका में बैठेंगे। कैसे तूने बताया? केवट की पत्नी ने कहा तुम भूल गए, मैं भूली नहीं। देखो एक बार गुह राजा शिकार करने के लिए गए थे और शिकार करते करते उनको इतनी प्यास लगी थी को पानी नहीं पीने से जान चली जाए, तब केवट ने उनको पानी पिलाया था और तब गुह राजा ने बताया था तुम मेरे पास कुछ वर मांग लो। केवट ने कहा नहीं, अरे पानी पिलाया उसमें वर मांगने की क्या ज़रूरत है? उसने कहा ठीक है, तुमको जब ज़रूरत है तब मांग लेना। आज उनकी पत्नी ने उनको बताया तुम अभी जाओ, रात को जाकर गुह राजा को बोलो कि आप तो हमारे नाविकों के राजा है, कल एक घोषणा कर देना कि गंगा के किनारे पर सिर्फ मेरी नौका रहेगी और दूसरों किसी की नहीं रहेगी। तो केवट को तो बहुत आनंद आ गया, वो तो दौड़ के चला गया गुह राजा के पास और कहा देखिए मैं वर मांगने के लिए आया हूँ, आपको याद है ना? बोले हाँ मुझे याद है, आज भगवान श्री राम मेरे अतिथि है, तुम एक क्या दो वर मांग सकते हो? केवट ने कहा मुझे दो की जरूरत नहीं, एक ही दीजिए, कल घोषणा कर दीजिए किसी के नौका न रहे, मेरी नौका रहे, मैं भगवान श्री राम को अपनी नौका में बैठा पाऊँ। ठीक है वही होगा। दूसरे दिन सवेरे जब भगवान राम गंगा के किनारे पर आए तो केवट नौका लेकर खड़ा है। केवट को मालूम है भगवान को इधर ही आना पड़ेगा। यहाँ तुलसीदास जी कहते मागी नावन केवटु आना, कह ही तुम्हार मर्मु में जाना। भगवान राम कहते केवट तुम नौका ले आओ, तो केवट कहता है मागी नावन केवट आना, केवट नौका नहीं ले आता है और कहता है भगवान को मैं तुम्हारा मर्म जानता। बंगाली में कहते हैं तुम्हार कीर्ति अमर जाना छे, भगवान को कहते हैं तुम्हारा मर्म मुझे मालूम है। क्या मालूम है मर्म? छुअत शिला भरी नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तुम्हारी चरण धूलि में एक ऐसा जादू है कि इस
एक पत्थर पर तुम्हारी चरण धूलि गिरी थी, और क्या हुआ, पत्थर से नारी बन गई। आप सबको मालूम है गौतम मुनि की पत्नी अहल्या थी, भगवान श्री राम के चरण स्पर्श से वो अपना स्वरूप प्राप्त हुई थी। तो यहाँ केवट कह रहा है कि तुमानी चरण धूलि में ऐसा जादू है, चरण धूलि पत्थर पर गिरी थी, नारी बन गई। ये मेरी जो नौका है ना वो तो काठ की है, वो तो पत्थर से भी नरम है, उसमें जो तुमानी चरण धूलि गिरेगी और जो वहाँ से नारी बन जाएगी तो बहुत मुश्किल में पड़ जाऊँगा। घर में एक है उसको संभाल नहीं पा रहा, और ये दूसरी हो जाएगी। आप सबको कहानी मालूम होगी, एक कठुअरिया था, वो लकड़ी काटने गया था, कुड़ाड़ थी वो नदी में गिर गई। अचानक जल देवता आए, क्या हुआ, वे प्रभु मेरी नौ मेरी कुड़ाड़ तो नदी में गिर गई, मैं क्या करूं, अभी तो खाना पीना बंद हो जाएगा। तो जल देवता अंदर गए, सोने की कुड़ाड़ बाहर की, ये तुम्हारी, ये मेरी नहीं है। चांदी की निकाली, ये तुम्हारी, ये मेरी नहीं है। लोहे की निकाली, ये तुम्हारी है, बोले हाँ ये मेरी है। तीनों ले जाओ, ये सब आपको कहानी मालूम होगी, लेकिन इसके बाद भी कुछ है मैं आपको बताता हूँ। वो तीनों कुड़ाल लेकर जब घर गया तब उसने पत्नी ने पूछा, तुमको तीन कुड़ाल कहाँ से मिली, बोले जल देवता का दर्शन हुआ उसने दी। अच्छा कहाँ जल देव का दर्शन हुआ, चलो मुझे ले जाओ। उसको उनकी पत्नी को वो ले आया नदी के पास, यहाँ मुझे जल देवता का दर्शन हुआ। तो वो कादव के पास वो जब घूमती थी पत्नी, अचानक स्लीप होके नदी में गिर गई। तो फिर वो तो रोने लगा, कुठियारा करे, मेरी पत्नी गिर गई, बहुत रोता है। फिर जल देवता निकले, क्या हुआ, पूछे प्रभु मेरी पत्नी गिर गई। उसे पत्नी गिरी, अच्छा अच्छा ठीक है। बहुत अपसरा, सुंदरी एक नारी निकली, ये तुम्हारी पत्नी है, तो कठु हाँ यही मेरी है। बेचारी तुम कितना अच्छा था कल, हैं मैंने तुमको सोने की दी, चांदी की नहीं, तूने बोला नहीं मेरी नहीं है, ये आज ये अच्छी एक अपसरा को देखकर तुम भूल गया, बिगड़ गया। नहीं प्रभु मैं वैसा ही हूँ, पहले जैसा था वैसा हूँ। तो ऐसा क्यों किया, मुझे प्रभु मुझे मालूम है आपने एक निकाली, बाद में दूसरी निकालेंगे, बाद में मेरी निकालेंगे, बाद में कहे तीनों ले जाओ, एक को मैं नहीं संभाल पा रहा तो तीनों को कैसे संभालूंगा। तो प्रभु जो है पहली है उनसे ही काम चला लूंगा। तो यहाँ ये केवट कह रहा है, क्या कह रहा है कि प्रभु मेरी जो नौका जो नारी बन जाएगी तो मेरी जो आजीविका चली जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा। तो भगवान कहते तुम क्या चाहते हो, भाई प्रभु मैं कुछ नहीं चाहता, आपका चरण धोना चाहता हूँ, आपका चरण धोने का मौका दीजिए, मैं आपको गंगा पार ले जाऊँगा। और मैं पहले से आपको बताता हूँ कि आपका चरण धोने के बाद आपके पास में कुछ नहीं लूँगा। यहाँ कहते हैं पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मोहि राम रावरियान दशरथ सपत सब साची कहो बरुती रमा रहु लखुन पै जब लगिन पाय पखारी हो तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो पद कमल धोई चढ़ाई नावन नाथ उतराई चहो मैं तुम्हारा चरण धोने के बाद तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं लूंगा। मोरी राम रावरी आन दशरथ सपत सब साची को मैं दशरथ राजा की सौगंध खाकर कहता हूँ आपसे कुछ नहीं लूंगा। लक्ष्मण ने कहा तुमको सौगंध खानी है, तुम्हारे बाप की सौगंध लो, मेरे बाप की क्यों सौगंध लेते हो। पर देखिए आपके पिताजी ने कहा था रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाई और वचन जाई, इसीलिए आपके पिताजी की सौगंध ले रहा हूँ। तो यहाँ कहते हैं वरु तीर मारू, लक्ष्मण का हाथ तीर पर चला जाता है। तो केवट कहता है देखिए भगवान राम मेरे पास मांगते हो, आप मुझे डर दिखाते, मुझे कुछ डर नहीं है, भगवान राम मेरे सामने खड़े हैं, आप तीर से मुझे मारेंगे ये गंगा के किनारे पर मेरी मृत्यु होगी, भगवान का राम का दर्शन करते करते, और जब मैं मर जाऊँगा तो मेरी पत्नी है ना उसको आपको ही संभालना पड़ेगा। तो लक्ष्मण ने फिर तीर रख दिया कि भाई इस झमेले में जाने की जरूरत नहीं। यहाँ कहते हैं सुनी केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे वीर से करुणा एन चित ही जानकी लखन तन। यहाँ भगवान श्री राम सीता की ओर देखकर
और लक्ष्मण की ओर देखकर हंस रहे। क्यों हंस रहे? ये केवट अगले जन्म में कछुआ था। ये कछुआ की एक इच्छा थी कि भगवान विष्णु की चरण सेवा करे। भगवान विष्णु कहाँ है? रहते क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर भगवान विष्णु सो रहे थे। तब कछुआ ने जाके प्रयत्न किया था भगवान विष्णु के पास जाने का, लेकिन लक्ष्मी देवी और ये शेषनाग दोनों ने क्या किया था? उसको हटा दिया था। तो आज भगवान राम केवट की ओर देखकर हंस रहे। क्यों? कि अगले जन्म में ये सीता लक्ष्मी देवी थी और लक्ष्मण था शेषनाग का अवतार। दोनों ने उनको भगवान विष्णु के चरणों के पास नहीं जाने दिया था। आज दोनों खड़े हैं और ये केवट भगवान का चरण कमल धो के ही छोड़ेगा। जो भी हो, भगवान श्री राम का वो पानी लेकर चरण धो दे रहा है और धोने के बाद यहाँ कहते अति आनंद उमगी अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। भगवान श्री राम का चरण धोते धोते नाच रहा है। भगवान ने कभी नाचना बंद कर, तो नाचने बाद में नाचो, क्योंकि मैं पैर ऊपर करके खड़ा हूँ, तुम नाचोगे मैं गिर जाऊँगा। तो केवट ने कहा आपको गिरने का डर है तो आप मेरा सर पकड़ के खड़ा रहे, आप भी गिरेंगे नहीं और आपका हाथ मेरे सर पर रहेगा तो मेरा भी अच्छा होगा, आपका भी अच्छा होगा। तो भगवान श्री राम केवट का सर पकड़ के खड़े है। ये केवट भगवान का चरण धो रहा है। यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री राम का चरण धोने के बाद उसने वो चरणामित अपनी पत्नी को पिलाया। ग्राम के जितने नर नारी थे सबको बुला के सबको उसने चरणामित पिलाया। यहाँ कहते हैं कि भगवान श्री राम का चरण धोने के बाद उसने पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनी मुदित गयऊ ले ही पार पद पखारी जल पान करी आप सहित परिवार पितर पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयऊ ले ही पार। भगवान श्री राम का चरण धोने के बाद उसने सभी को चरणामित पिलाया। सीता और लक्ष्मण सोच रहे हम भी मांग ले, हमको भी मिलेगा। तो माँ सीता ने लक्ष्मण ने भी चरणामित मांग लिया। यहाँ कहते पितरु पार करी प्रभु ही पुनि। भगवान श्री राम को केवट कहने लगा भगवान एक काम कीजिए, क्या मेरे पूर्व पुरुष का तर्पण नहीं हुआ? आप एक काम कीजिए, आप और लक्ष्मण मिल के तर्पण का मंत्र बोलिए, मैं और मेरी पत्नी तर्पण करेंगे गंगा का पानी लेकर। तो भगवान श्री राम ने लक्ष्मण का भाई शुरू कर वरना हमको गंगा पार नहीं जाने देगा वो। तो राम और लक्ष्मण दोनों तर्पण का मंत्र बोलते हैं और ये उनकी पत्नी और केवट तर्पण करे अपने पूर्व पुरुष का। पितरु पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयु ले ही पार। भगवान श्री राम का चरण धो दिया और बाद में केवट भगवान को भगवान और भी एक समस्या हुई। अब क्या समस्या? देखिए आप तो जूता पहन के नहीं आए, ये आपका चरण मैंने धो दिया, आप चरण जो जमीन पर रख के जो गंगा ये नौका में बैठेंगे तो फिर चरण में धूली लग जाएगी। तो भगवान ने कहा क्या करना है? बच्चे आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको दो हाथ से उठाकर आपको नौका में बिठा दूंगा। जो भगवान जगत के पालनहार है, जो भगवान जगत के भार वहन करते, आज एक भक्त भगवान का भार वहन कर रहा है। हिंदी में एक भजन है कभी कभी भगवान को भी भक्तों की काम पड़ी, जाना था गंगा पार प्रभु के वट की नाव चढ़ी। भगवान को बिठा दिया और वो ले जा रहा है नौका, लेकिन वो सोच रहा है कि भगवान को उस पार जो ले जाएगा तो भगवान को उतर के चले जाएंगे, ऐसे काम कर बीच में ही घुमाए। तो वो नौका बीच में ही घुमा रहा है तो लक्ष्मण कह रहे क्यों तुम बीच में क्यों घुमा रहा है, हम तो उस पार जाएंगे। तो केवट ने कहा आपको जल्दी इतनी क्या है, मैंने सुना है कि आपको 14 साल वन में रहना है। पिताजी ने कहा ने 14 साल वन में रहना, हाँ कहा है, आपको वन में क्या कुछ काम है? बोलना काम कुछ नहीं है, तो फिर क्या बात है, जल्दी क्या है? मैंने तो आपको बोला है मैं आपके पास पैसा नहीं लूँगा,
तो नौका विहार करें, कहाँ जंगल में खाली पैर घूमेंगे, पैर में कांटा लगेगा, पत्थर लगेगा, ये नौका विहार का आपको क्या तकलीफ क्या है। बाद में केवट कह रहा है, देखिए मैं आपको एक शास्त्र की बात कहूँगा। लक्ष्मण के शास्त्र की बात तुम क्या कहेंगे? वे देखिए मैंने सुना है ये मनुष्य जन्म पाने से पहले 84 लक्ष योनि में जन्म लेना पड़ता है, बाद में मनुष्य होते। ये जो मेरे सामने भगवान बैठे हैं उसने 84 लक्ष बार मुझे घुमाया। अच्छा, उसने 84 लक्ष बार घुमाया, मैंने कितनी बार घुमाया आप गिनती करके देख लीजिए। भगवान राम ने लक्ष्मण का अरे चुप करके बैठ, न को और घूमना पड़ेगा। तो ठीक है भाई, छोड़ दिया। बाद में उसने जब इस गंगा की इस पर आया तो जब भगवान उतरे तो भगवान की इच्छा हो रही है कुछ देने की। यहाँ कहते हैं भगवान कुछ दे, मन में इच्छा है। तो सीता को मालूम होगा, पिय ही की सिए जान निहारी, मनी मुदरी मन मुदित उतारी। सीता भगवान राम की मन की इच्छा पहचान गई, उसने हाथ में से अंगुली निकाल के दे दी। देखिए सती स्त्री उनको कहते हैं, वो अपने पति के मन की इच्छा जान जाती है और उनके मुताबिक काज करती है। अभी कुछ कुछ ऐसी भी पत्नी है बोलने से भी नहीं सुनती हो, यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ जो माता जी है ना बहुत अच्छे है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे है बोलने से भी नहीं सुनते। लेकिन ये जो सीता है ना, उसको मालूम हो गया भगवान ने आप कुछ देना चाहते, उसने अपनी अंगुली निकाल के दे दी, आप दे दीजिए। तो भगवान राम ने कहा तुम ले लो। केवट ने कहा मैं नहीं ले पाऊंगा, क्यों? एक नियम है। भगवान ने कहा तो बात बात में नियम देखाता है। लक्ष्मण ने कहा क्या नियम है? वे देखो, जो आपस में एक ही काम करते आपस में लेन देन नहीं करते, नाई से ना नाई ले तो धोबी से ना धोबी ले। तो लक्ष्मण ने कहा हम तो राजा के लड़के हैं, तुम एक नाविक है, हमारा काम एक कैसे हुआ? तो कहा का आपके साथ बात नहीं हो रही, राम के साथ बात हो रही। राम ने कहा भाई मुझे भी मालूम नहीं क्या बात है। तो केवट ने कहा देखिए मैं गंगा का नाविक हूँ, मैं गंगा पारापार कराता हूँ और आप भवसागर के नाविक हैं। जब आप मेरे पास आए मैंने आपको भवसागर, आप मेरे पास आए मैंने आप गंगा पार कर दिया, मैं जब भवसागर के पार जाऊँ प्रभु मुझे भवसागर पार कर देना और कुछ नहीं चाहिए। ये केवट है भगवान के पास मांगता है, सुख भवसागर पार कर दीजिए। हम भी भगवान के पास प्रार्थना करें, हम सभी को भगवान भवसागर पार करें, सब मिलके रघुपति राघव राज राम संकीर्तन करें। देखिए भगवान श्री राम वचनामृत में कहते हैं, राम कृष्ण जी कहते हैं कि हमारे देह वृक्ष में पाप पक्षी है, हाथ ताली देकर हरि नाम करने से पाप पक्षी सब उड़ जाते हैं। जब हम सब मिलके रघुपति राघव राजारम करेंगे हमारे पाप पक्षी सब उड़ जाएंगे। कहाँ उड़ जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे, यहाँ ही घूमते रहेंगे। जो नहीं करेंगे ना उसके अंदर सब घुस जाएंगे, इसलिए सबको करना पड़ेगा। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा पतित पावन राम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राम ईश्वर अल्ला तेरो नाम, सबको सम्मति
सीधे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सम्मति दे भगवान रघुपति राघव राजा राम पति